बाहर क्षेत्र में चंदीटों के लिए बड़े भाई ने अपने बेटों की मदद से छोटे भाई को ही पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। वारदात से पूरे गांव में दहशत फैल गई। तत्काल पुलिस अधीक्षक घटना स्थल पर पहुंचे, जिन्होंने पूरे मामले की जांच पड़ताल कर सब पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के बाद से हत्यारोपी फरार है। जानकारी के अनुसार ग्राम हवेलिया निवासी 30 वर्षीय जगवीर सिंह यादव पुत्र दीनदयाल यादव का अपने बड़े भाई कलेक्टर सिंह यादव से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। जगवीर अपने हिस्से की 3.25 बीघा जमीन पर कार्य कराने की तैयारी कर रहा था। यहां पहले से ही ईंटें रखी हुई थी। इसी को लेकर महज कुछ ईंटों के बंटवारे कलेक्टर सिंह और जगवीर के बीच रविवार की दोपहर कहासुनी हो गई, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि दोनों भाइयों में हाथापाई होने लगी। हाथापाई होते देख बड़े भाई के पुत्र भी अपने चाचा के साथ लाठी डंडों से मारपीट करने लगे। मृतक के परिजनों का आरोप है कि कलेक्टर सिंह ने अपने दो बेटों के साथ मिलकर जगवीर को इतना पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, जिन्होंने पूरे मामले की जाँच पड़ताल की और शव को कब्जे में लेने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपी फरार बताए गए हैं। पुलिस अब पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया है कि मृतक के परिजनों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। बिहार के हवेलिया में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, पूरा मामला क्या है? इस गाँव में आए हैं, ग्राम है हवेलिया, थाना दन्नाहार, मैनपुरी। इसमें एक व्यक्ति को बहुत ही मामूली सी बात पर उसी के भतीजों ने लाठी डंडे से प्रहार किया, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। तहरीर प्राप्त करके मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई चल रही है। इसमें मामला बहुत ही छोटा सा था, 4-6 ईंटों का विवाद था। ईंट जो होती है घर निर्माण के लिए, वही ईंट को लेने में उठाने में ये झगड़े की शुरुआत हुई थी। बाकी और कोई रंजिश इत्यादि उसके बारे में जांच पड़ताल की जा रही है, गिरफ्तारी के लिए टीमें भेज दी। तो ईंट जा कही कि देखो मेरे रुपया दे दे तब ईंट का ना भरिए कि ना। किसकी ईंटें भरने के लिए आए थे? किसकी ईंटें? ईंटें का ना उनकी ही थी, जगवीर रखी। अच्छा, हाँ। फिर जब रहेंगे ईंटें भरवे आए तो उनकी ईंटें ना भरे है कि कहीं ना भरे हैं कि देखो का ना तो आऊंगा तो डंडा लेके आओ तुम मार तू चलो आओ हम जाले भीतर तुम्हें बिटिया दवा दे गए हमने पटाई कि मैंने रोटी में थरिया उसी सावधानी देख लो इसी लगी धरी में ललन मुँह पे पानी ना पर मैं बिटिया दवा दे के रोटी खाई। जगवीर कौन थे आपके? देवर। तो मारने वाले कौन है? जेठ। कितने लोग थे मारने वाले? देखो संगीता एक और कन्हैया दो, अंकिता तीन और मम्मी चार और सोनिया पाँच जने। आज यही विवाद था कि और किसी कारण ये मारना चाह रहे थे? ना जा पता ना उनकी हम तो साहब यहाँ रात बे हुए रात है सुखाबाद। हाँ। विवाहित थे ये? शादी की थी इन्होंने? ऐसा 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 सुनने में आया है कि ये जमीन अमीन बेचना चाह रहे थे, घर वाले मना कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, इस कारण उनकी हत्या की गई है। हाँ ताई से पता ना बेजकाते मैं चल ना ही दिए। हाँ। उनकी चीज हम तो ना साब रोको, उनकी चीज हम तो ना रोको, उन पीटते ही पीटते हम मत ही मत मार डारू तो दंडा कन्हैया। सब लोगों ने सब लोगों ने हाँ एक साल हाँ पहले कट्टा इन्हें मारो तीन नहीं मारो तब उन्हें मारो तो बमर गया थी तब हम आते ना हम तो भैया लगा रहे थे अपन एकदम मारते तब बचिए आज मार डालो पापा।